हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जैसे ही मेरी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो हमने रास्ते में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, हम पहुँचे हैदराबाद बच्चों के साथ और फैमिली के साथ। यार देख सकते हैं, पता नहीं कौन सा फेस्टिवल चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बनी हुई थी तस्वीरें खिंचवाने के लिए, तो बच्चों ने तस्वीरें खिंचवाई और ये हम मॉल में अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से कुछ शॉपिंग करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो, तो यार अब चलते हैं हम यहाँ पे, फूड वाला फ्लोर है वहाँ पे, और फैमिली जो है वो कैप्सूल जो लिफ्ट होती है उसी में गई है। फैमिली जो है वो हमारी पहुँच चुकी है, उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। अभी मुझे कॉल आई है कज़न की, तो बोल बुला रहे हैं मुझे। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, वो देखते हैं क्या ऑर्डर दिया है, आपके साथ शेयर करेंगे। सब ने अलग अलग ऑर्डर दिए हैं। पानी पूरी हमारी आ चुकी है और दूसरे ऑर्डर भी जैसे जैसे आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। दूसरा हमारा ऑर्डर आ चुका है, ये स्मॉल पिज़्ज़ा मंगवाया है बच्चों के लिए और हम भी ट्राई करेंगे। और ये हमारा तीसरा ऑर्डर भी आ चुका है, ये डील थी, दो ब्रास्ट के पीस थे और फ्राइज थे और एक ये छोटी बोतल। और ये आइसक्रीम वाला तो बड़ा मशहूर है, आपने देखा होगा हर किसी के व्लॉग में। हम जैसे ही मॉल से निकले सीधे आए मराबा मॉल पे। अभी हम मराबा मॉल पे आए हैं, यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, तो आज बहुत रश थी। तो ये बड़ा मॉल है, यहाँ पे तकरीबन घर की हर चीज़ आपको मिलेगी और खाने पीने की, ऊपर रेस्टोरेंट भी है और ये पार्किंग आप देख सकते हैं पूरी फुल है पार्किंग। ट्राई के दिन यहाँ पे भी शॉपिंग चल रही है, आप देख सकते हैं ये बर्तन की एरिया है और तकरीबन यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। तो छोटे छोटे क्लिप मैंने ऐड किया है इस मॉल के भी। और ये मॉल की दूसरी साइड, यहाँ पे बहुत बड़े ब्रांड है। तो हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी एरिया है, तो
और आनिया तो पहले होके आई है, और आनिया की जो कज़न थी वो भी इधर घूमना चाहती थी, तो हम वहाँ पे आए हैं और देख सकते हैं ये एंजॉय करते हुए। तो अब यहाँ से निकलते हैं और कुछ शॉपिंग किया वो गाड़ी में सामान रखवाते हैं, और भूख भी बहुत लगी है। अब कौन से रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। मराबा रेस्टोरेंट पे भी गए, लेकिन वहाँ पे हमें माहौल इतना खास नहीं लगा। तो जो रानिया की कज़न है उनकी फेवरेट रहे अल रहीम, ये लतीफाबाद में है, इनका खाना बहुत ही अच्छा है, हम खाते रहते हैं, तो हम वहीं पे आए। क्या भैया, हला 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 ए तो ऑनलाइन में ये जो एक्टिविटी है बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं। और ये ओपन माहौल है, वो अंडरग्राउंड है। तो भाई सूप हमारा आ चुका है, देख सकते हैं। एक बाउल हमने मंगवाया है, सिर्फ मेरे लिए मैंने मंगवाया है, क्योंकि दूसरों को सूप पसंद नहीं है। और दूसरा जो हमारा आर्डर है, एक चिकन कढ़ाई है और एक चरगा मंगवाया है। तो जैसे ही आता है तो वो भी आपको दिखाएंगे और हम खाएंगे। सलाद और रायता जो है वो हमारा आ चुका है, और ये हमारी कढ़ाई भी आ चुकी है। तो यार ये हमारी फुल चिकन कढ़ाई, और दूसरा हमारा जो आइटम है वो हाफ चरगा है, वो भी हमारा आ चुका है, ये देख सकते हैं। और अब हम इनको खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम शुरू करते हैं। तो भाई हाफ चरगे पे हम सारे टूट पड़े हैं, अब देखते हैं क्या नसीब होता है। तो हमें आज नसीब हुआ है दोनों लेग पीस, एक चरगे का लेग पीस और एक कढ़ाई का। तो भाई फाइनल आइटम हमारा आ चुका है, पिस्ता आइसक्रीम।
खाना खा के हम निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं अपने घर पे। और हमारा जो बिल आया तकरीबन 5,500 बिल आया। तो यार अभी हम जा रहे हैं, कज़न का फ्लैट है वहाँ पे और आराम करेंगे। तो व्लॉग जो है वो हमारा कंटिन्यू है, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।